हाउज़ुबिल्लम शुआन वसमी असल डी हर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फ़ोर है आप सब खैरियत के साथ होंगे स्टूडेंट्स दिस इज़ यूर जनरल साइंस लेक्चर ऑफ़ यूनिट नंबर टिच इज़ अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट स्टूडेंट्स यूनिट नंबर इज़ टोअर लास्ट यूनिट ऑफ़ जनरल साइंस बुक इस यूनिट में हम अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को स्टडी करेंगे और इन फैक्टर्स को जो कि अर्थ के वेदर को अफेक्ट करते हैं सो लेट स्टार्ट आवर यूनिट नंबर ट्वेल्व वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ इट सराउंडिंग दिस चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ वाटर रिजल्ट इन डिफरेंट वेदर कंडीशंस सच एस क्लाउडी फॉगी स्नोवी रेनी एंड सनी टी स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं ये पानी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है यानी इन फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड में आइस लिक्विड में वाटर और एज अ वाटर वेपर हम कहते हैं तो वो गैसियस फॉर्म होती है ये जो चेंजेस हैं स्टेट्स ऑफ वाटर की इसकी वजह से मुख्तलिफर कंडीशन अगर करती हैं जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं या मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ वडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं मुख्तलिफ़ वडिशंस में हैं जैसा कि इसमें यहाँ पर मौजूद हैं सनी रेनी विंडी फॉगी हॉट वेदर कंडीशन स्नो होता है रेनबो शावर यानी इन फॉर्म ऑफ रेन आप कह सकते हैं क्लाउडी ये सब डिफरेंट वेदर कंडीशनस हैं स्टूडेंट्स आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वेदर और क्लाइमेट ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर एट एनी गिवन टाइम एंड प्लेस वेदर एटमोसफियर की वो स्टेट है जो किसी ख़ास टाइम या जगह के लिए होती है द वेदर कैन चेंज फ्राम डे टू डे और इवन फ्राम आर टू आर वेदर की जो चेंजेज़ हैं वो जल्दी जल्दी अकर करती हैं यानी कि हर दिन गुजरने के साथ साथ तो हम कहते हैं कि एक दिन कोई वेदर होता है नेक्स्ट डे वेदर चेंज भी हो सकता है यानी इवन ये आर टू तो आर भी इसमें चेंज आ सकता है सो so, ये टेम्प्रेरी स्टेट ऑफ चेंज है क्लाइमेट इज़ अ टर्म फॉर द वैदर पैटर्न दैट एन एरिया टिपिकली एक्सपीरियंसिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट वो टर्म है वेदर वो पैटर्न है किसी भी एरिया के लिए जो मोस्टली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है यानी एक लंबे अरसे के लिए होते हैं यानी किसी भी एरिया का जो वैद आप कह सकते हैं क्लाइमेट है वो आप कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे का होता है वहाँ जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे डेजर्ट्स हैं तो वहाँ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हॉट होता है वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है अगर हम लोग किसी एक ख़ास हम कैसे सकते डेजर्ट है उसका कंपेयर करें इस्लामाबाद के साथ अगर उसका हम लोग क्लाइमेट कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो इस्लामाबाद रीजन है उसका ज़्यादातर जो क्लाइमेट है वो रेनी और वेट है एज़ कम्पेयर टू तो चौलीस्तान जो कि एक डेज़र्ट है और डेजर्ट है तो उसका जो क्लाइमेट है वो हॉट है सो so क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो उसका पैटर्न uh, uh, क्या है वेदर का वो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की क्योंकि वेदर जो है वो क्या होता है वो डे टू डे इवन के आर टू आर चेंजेस होती है दे आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर ऑफ एन एरिया बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एरिया के वेदर को अफेक्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द अर्थस पोजिशन विद रेफरेंस टू द सन दैट रिजल्ट इन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट लोकेशंस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अर्थ की पोजीशन जो कि सन के रेफरेंस हैं कि अर्थ सन के रेफरेंस है वो किस पोजीशन पर है इसकी वजह से जो टेम्परेचर में है उसमें बहुत सी वेरिएशन आती है डिफरेंट लोकेशन पर द टेम्परेचर ऑफ एन एरिया कैन भी डिफाइंड एज हाओ हॉट और कोल्ड अपलेसिस वेरिएशन मीन्स चेंजेस टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं वो हम ये कह सकते हैं कि अगर कि किसी भी एरिया का अपनी टेम्परेचर देखना है तो हम उसको देखते हैं कि वो कितना हॉट है या वो कितना कोल्ड है वो जगह कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है एरियाज़ दैट रिसीव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सन लाइट है वार्मर टेम्परेचर दैन एरियाज दैट रिसीव्स लेस सन लाइट स्टूडेंट्स की एक जनरल सी बात है बड़ी आम सी बात है कि जिस जगह पे या जिस एरिया में सन लाइट की अमाउंट जो है वो डायरेक्ट यानी जहाँ पे ज़्यादा सन लाइट होगी और डायरेक्ट वहाँ पर लार्ज अमाउंट में वो रिसीव करेगी सनलाइट वो उनका टेम्परेचर वार्मर होगा एज़ कम्पेयर टू दैट एरिया जहाँ पे लेस सन लाइट होगी नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ह्यूमिडिटी को दिखाया गया है कि ह्यूमिडिटी क्या है ये एयर में कितने वाटर वेपर्स के अमाउंट हैं देर फोर एरियाज नियर द सी हैव हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स जो इलाके समंदर के करीब होते हैं उनकी ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है हाउ एवर ह्यूमिडिटी लेवल्स आर लो इन एरियाज़ फार अवे फ्राम द सी जो इलाके समंदर से दूर होते हैं उनमें नमी उनका नमी का लेवल या ह्यूमिडिटी लेवल जिसे हम कहते हैं वो लो होता है सो so, ये वाटर वेपर्स की जो अमाउंट एयर में है उसको डिफाइन करती है ह्यूमिडिटी नेक्स्ट वन इज क्लाउड फॉर्मेशन क्लाउड कैसे बनते हैं एरियाज़ विथ हाई टेम्परेचर एवेपोरेट्स मोर वाटर एंड सैन वाटर वेपर्स इन टू द एयर स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक जगह पर सी और लैंड इन दोनों का कंपेरिजन आपको दिखाया गया है कि सन हीट्सअप वाटर एंड लैंड सर्विस इस सन की जो रेज हैं वो इक्वली लैंड पर भी पड़नी है और वाटर पर भी पड़ रही है जब सन की रेज हीटअप करेंगी वाटर को वाटर सरफेस को करेंगी तो हाई टेम्परेचर की वजह से वेपोरेशन होगी और ज़्यादा पानी जो है यानी कि ज़्यादा वाटर जो यानी वाटर वेपर्स जो हैं वो क्या होगा उसको वो एयर में सेंड करेंगी वाटर वेपर्स दैन कंडस एंड फॉर्म्स क्लाउड अब होता क्या है वही जो वाटर वेपर्स एयर में चले गए हैं वैन दे मीट विद कोल्ड एयर कोल्ड एयर मीट्स अप विद वाटर वेपर दैन कंडेंसेशन अकर्स इसकी वजह से कंडेंसेशन होती है और क्लाउड्स बनते हैं नेक्स्ट विंड एयर इज़ एवरी वेयर ऑन अर्थ स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अर्थ में एयर हर जगह मौजूद है वैन द सन राइजेज इट हीट्स अप द अर्थ हाओ एवर द एयर ओवर लैंड हीट्स क्विकर देन द एयर ओवर वाटर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं जब सन राइज होता है तो उसके साथ ही जो है वो जिस तरह अर्थ हीटअप होती है तो अर्थ में दो तरह की बॉडीज़ हैं यानी कि लैंड भी है और वाटर बॉडीज़ भी हैं जो लैंड है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर यही एयर जब लैंड को हीटअप करती है तो उसके ऊपर मौजूद हवा जो है वो भी जल्दी ही गर्म हो जाती है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हॉट एयर जो है वो हमारे पास क्या है वो एयर है जो कि लैंड पर जल्दी गर्म हो गई है हॉट एयर इज़ ऑलवेज़ लाइटर देन कोल्ड एयर और हॉट एयर जो होती है वो कोल्ड एयर के मुकाबले में लाइट होती है दे आर फॉर द एयर नीयर कोस्टल एरियाज बिगेन टू राइज तो जो एयर कोस्टल एरियाज में के करीब है वो क्या होना शुरू हो, हो जाती है गर्म होकर तो राइज हो जाती है टू रिप्लेस द राइजिंग एयर वो जो हॉट एयर जो राइज हो गई है उसको रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह लेने के लिए कूल एयर रशेज़ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सीन चूँकि समंदर का पानी यानी कि जो पानी है वो देर से गर्म होता है तो वो ठंडा पानी उस गर्म पानी वो जो ठंडा पानी यानी कि जो एयर है जो, जो उसके ऊपर मौजूद एयर है वो फ़ौर जो है वो क्या करेगी उस उस एयर को जो ऊपर चली गई है उसको रिप्लेस करने आ जाएगी इट इज़ कॉल्ड अ सी ब्रीज सी ब्रीज में आप ये वो ब्रीज है ये सी ब्रीज वो हवाएं हैं जो कि चलती हैं वाटर से लैंड की तरफ जो वाटर से लैंड की तरफ चलती हैं उसे कहते हैं सी ब्रीज और इसमें ज़्यादातर मॉइस्चर होता है लैंड ब्रीज कब होती है लैंड ब्रीज अकर्स एट नाइट ये ज़्यादातर ये लैंड ब्रीज कब अकर करती हैं ये अकर करती हैं रात में वन लैंड कूल्स फास्टर दैन सी जिस तरह मैंने आपको बताया कि लैंड जिस तरह जल्दी गर्म होती है इस तरह से लैंड ठंड उसकी लैंड पर जो मौजूद हवा है वो भी जल्दी ठंडी हो जाती है इन दिस केस द एयर अबव द वाटर सर्फेस बिगेन्स टू राइज इस वजह से क्या होता है जो एयर वाटर सर्फेस पर होती है वो क्या होती है वो राइज होना शुरू हो जाती है और एक बीच में एक वैक्यूम सा बन जाता है कूल cool एयर के लिए जो कि उसको फिल करने आ जाती है लैंड ब्रीज वो ब्रीज है जो कि मोस्टली ड्राई होती है और लैंड से वाटर में चलती है और लैंड ब्रीज अकर करती है नाइट में नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन हैव यू एवर नोटिस दैट रेन अकर्स वन क्लाउड्स फॉर्म इन द स्काई वेन क्लाउड्स बिकम ओवरलोडेड विद वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स जब हम लोग आसमान पर बादल देखते हैं और यही बादल जब ओवरलोडेड हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट से तो उसके नतीजे में प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश अकर करती है प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म में अकर है जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं आप इस डायग्राम में मुख्तिक फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देख रहे हैं ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द एरिया के उस एरिया का टेम्परेचर क्या है सो ये वाटर है ये फॉल करता है पर किसी भी फॉर्म में करता है लेकिन वो डिपेंड क्या करता है डिपेंड करता है वो उस एरिया के टेम्परेचर पे फॉर एग्जाम्पल इन वार्म पार्टस ऑफ द वर्ल्ड जो दुनिया के वह इलाके जो गर्म हैं वहाँ प्रेसिपिटेशन हमेशा रेन हिड्रीजन यानी कि लाइट रेन की फॉर्म में होगी और जो एरियाज या जो रीजन्स कोल्डर हैं ठंडे हैं इट में फॉल एज स्नो और कर आइस तो प्रेसिपटेशन किस फॉर्म में करेगी प्रेसिपिटेशन कोल्डर रीजन में फॉल करेगी एज आ स्नो और एज आ आइस यानि कि हेल के फॉर्म में भी कर सकती है टेम्परेचर चेंजेस विद सीज़न एंड लोकेशन ऑन अर्थ टेम्परेचर चेंज होता है सीजन के साथ साथ और अर्थ की लोकेशन भी की वजह से टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड वेरी विद सीज़न एंड लोकेशन जो दुनिया भर में जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है तब्दील होता है चेंज होता है सीजन और लोकेशन के साथ प्लेसिज नियर द इक्वेटर टेन टू बी हॉट एंड ह्यूमिड मोस्ट ऑफ द ईयर द सन रेज फॉल डायरेक्टली एट द इक्वेटर सन रेज जो है वो इक्वेटर पर डायरेक्ट फॉल करती हैं इक्वेटर क्या है इक्वेटर वो इमेजनरी लाइन है जो कि अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में टू इक्वल हैमोसफेयर्स में डिवाइड करती है जिनमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स उसके पोल्स हैं सन रेस इक्वेटर पर डायरेक्ट फॉल करती है, है? है, है। सो so, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है हॉट और ह्यूमिड होता है सारा साल जो एरिया नॉर्थ और पोल के पास हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं कोल्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द ईयर बिकॉज यहाँ पर सनलाइट लेस होती है और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लिटिल रेन होती है और कुछ एरियाज जहाँ पे सारा साल बारिश रहती है मूनसून होते हैं सो ये सब बातें अफेक्ट करती हैं लोकेशन ऑन अर्थ पर और डिफरेंट सीजन पर सो कुछ इलाक़ों में कुछ अर्थ uh, में कुछ जगहों पे अदर गेट्स मॉइस्चर ईयर राउंड सारा साल मॉइस्चर रहता है कुछ एरियाज़ ऐसे हैं अर्थ के जो सारा साल ड्राई एंड हॉट रहते हैं जैसे कि डेजर्ट एरियाज़ हैं सो so स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर को समझने के बाद आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना आसान हो जाएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इसको एक दफ़ा रीड कीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिएगा अल्लाह हाफिज़